हेलो वन दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉक मास्टर कोर्स और अब हम सीखेंगे ब्लॉक में क्लीन कोडिंग करना ये वीडियो अबाउट रोड मैप है कि आप इस आगे जाके इस लेक्चर्स में आगे जितने भी फाइव टू टेन लेक्चर्स आते हैं आप इन लेक्चर्स में सीखेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रस्ट मी इस वीडियो को लास्ट तक तो फॉलो करें बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीखेंगे एंड किस तरह से सीखेंगे एंड आप आप लोग क्या क्या कुछ ईजिली सीख सकते हैं ठीक है मोस्टली होता है कि आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होती सीखने की तो जब आप सीख रहे होते हैं तो आप बीच में से स्किप कर लेते हैं ठीक है सो so, यार फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक क्लीन कोडिंग आपको पता है कि ब्लॉक स्टेट में आप सीख ले ही सीखते ही इसलिए ताकि आप ब्लॉक पैटर्न को इजिली यूटिलाइज कर सकें ठीक है इजिली आप उसको यूज कर सकें ठीक है अब हम ऑलरेडी ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट सीख चुके हैं लेकिन नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि आप उस ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को यूज करते हुए अपने कोड को क्लीन करें क्लीन करने का मींस क्लीन करने का मतलब ये है कि आपका जो कोड है वो मॉडिफायबल हो उसमें सॉलिड प्रिंसिपल्स यूज होते हों उसमें हर चीज के लिए एक अलग क्लास का कोड लिखा गया जो कि मॉडिफायबल हो ठीक है ईच एंड एवरी थिंग शुड बी एट एड्स प्लेस व्यू अपनी जगह पर होनी चाहिए ब्लॉक्स अपनी जगह पर होनी चाहिए रिपोर्जिटरी अपनी जगह पर होनी चाहिए फिर रिपोजिटरी को मैनेज किस तरह से करना है ठीक है मैं एक एक्स्ट्रा एक एक, 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 एक चीज आपको समझाता हूँ कि हम इसमें सीखेंगे फर्स्ट हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपको बहुत सारी डिपेंडेंसीज हम उस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे मेक मेकश्योर sure आपने वो वाली वीडियो देखनी है सेकंड हम स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे ठीक है और उसके लिए एक सर्विस क्लास लिखेंगे थर्ड हम राउट्स देखेंगे कि राउट्स क्या होते हैं राउट्स के थ्रू राउटिंग को हम किस तरह से मैनेज करते हैं ठीक है थीके? राउट मैनेज करने के बाद हम जाएंगे अपने व्यूज बनाएंगे बट हम उनमें डिजाइन नहीं करेंगे ठीक है उससे उसके डिजाइन नहीं करेंगे जस्ट हम एक फ्लो बनाएंगे ठीक है उसके बाद हम जाके अपने डेटा को मैनेज करेंगे डेटा मीन्स के जो हम अपना कनेक्शन बनाएंगे सर्वर के साथ हम क्योंकि इस क्लीन कोडिंग में एपीआईस को यूज करेंगे ठीक है एंड इस ए में हम हम सर्वर के साथ प्ले करेंगे ठीक है तो सर्वर के साथ हमें ऑफकोर्स किस तरह से डेटा को मैनेज करना है उसके लिए हम रिपोर्जिटरी बनाएंगे ठीक है अब उन रिपोर्जिटरी को फिर हमने अपनी नेटवर्क रिक्वेस्ट के साथ किस तरह से मैनेज करना है ठीक है वो हम देखेंगे कि नेटवर्क सर्विसेज की क्लास हम लिखेंगे और उस नेटवर्क सर्विसेज में हम एक ही दफा कोड लिखेंगे और वो बार बार आप उसको यूज करेंगे ठीक है क्लास को इंपोर्ट करके यूज कर लेंगे लेकिन आप उस आप उसको यूज करेंगे ना आपको बार बार जो है वो कोड आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा ठीक है फिर अगेन आप जब आप एपीआई साथ काम करते हैं तो उस एपीआईस का रिस्पॉन्स आता है फिर आप उस को कितना इजीली मैनेज कर सकते हैं ठीक है थर्ड हम देखेंगे बिकॉज स्क्रीन कोडिंग का परपज यही होता है कि आपने तीन चीजें हैंडल करनी होती है आपने एक्सेप्शन हैंडल करना होता है आपने सक्सेसफुल आपके पास जो रिस्पॉन्स आ जाता है आपने उसको मैनेज करना होता है आपने श्योर sure करना है जब आप सर्वर के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उसके बीच में जो लोडिंग टाइम होता है किस तरह से मैनेज

इसको मैनेज करेंगे ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होगा उसमें वो ये है कि इस इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि लेट्स से अगर आपके पास आप, डेवलपर आपको कहता है कि अभी मेरे पास अभी डेवलपर ने एपीआई नहीं बनाई लेकिन आप अपना काम स्टार्ट कर दो ओके okay, जब डेवलपर अपना काम खत्म कर लेगा एपीआई बना लेगा वो आपको एपीआई दे देगा तो आप इंटीग्रेट कर लो लेकिन क्योंकि आप आप एफिशिएंट और अच्छे डेवलपर हैं तो आप कभी भी अपने बैक इंड डेवेल्पर का वेट नहीं करेंगे आप कोड लिख लेंगे एंड अगर आपने मेरे से क्लीन कोडिंग सीखी होगी तो उसका फायदा ही होगा कि यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि लेट्स अगर आपके पास एपीआई नहीं है तो आपने डिपोजिटरी को कितना एफिशियंटली यूज करके आपने इसके लिए लोकल सर्विस लिखनी है एक आपका डेटा सर्वर ठीक है जहां से एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा एक आपका मॉक एपीआईस और मॉक एपीआईस को आप कितना

कर लेंगे जब आप आपका स्प्लैश स्क्रीन वाला सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद हम जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर और वहां पर हम अभी हमने पोस्ट ए इंटीग्रेट की थी फिर हम गेट ए इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू ठीक है जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं लेकिन अगर आप यहां पर मेरे साथ फॉलो करते हैं तो यहां पर हम एक नए तरीके से करेंगे ठीक है और वो नया तरीका इतना जबरदस्त होगा जो कि जो लोग मुझे ऑलरेडी मेरा कोर्स देख चुके हैं प्रोवाइडर का या गेटेक्स का वहां पर मैंने यही चीज सेम यूज की है अब मैं ब्लॉक के साथ करूंगा लेकिन यहां थोड़ा

इसके बाद कभी भी आपको ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आएगा एंड अगर आप आएगा तो मैंने सब समझता कि आपको आएगा ठीक है जस्ट आप हमेशा फॉलो करना है ठीक है सो मेक श्योर मेक श्योर करें कि इस प्लेलिस्ट को एंड तक देखें एंड यस लास्ट में यही कहूंगा कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं ठीक है LinkedIn पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इऑ सी यून द नेक्स्ट वन